बड़ी खबर का रुख करेंगे। देश के कई राज्यों में पीएफआई के खिलाफ बड़ा एक्शन, कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड पड़ी है और यूपी में भी पीएफआई के ठिकानों पर रेड की खबर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, यूपी में भी पीएफआई के ठिकानों पर रेड की जानकारी है। अविनाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, और क्या जानकारी इस मामले में? देखिए, अगर बात करें तो एनआईए लगातार पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई कर रहा है। आज अगर बात करें तो तकरीबन 10 राज्यों के 110 के ऊपर ठिकानों पे 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और 110 के ऊपर ठिकानों पे अभी भी छापेमारी चल रही है। देर रात से ये छापेमारी की कार्रवाई एनआईए ने शुरू की थी, क्योंकि अगर बात करें तो इस तरीके से एनआईए को ये इनपुट मिला है कि पीएफआई की जो फंडिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग की ओर से है, हवाला का पैसा है। इसी वजह से अगर बात करें तो एनआईए लगातार अब ये कार्रवाई कर रहा है और देर रात से अगर बात करें 10 राज्यों के 110 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है, जिसमें अब करीबन 100 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ चल रही है कड़ाई के साथ कि आखिर उनके पास किस तरीके के संसाधन आते हैं और किस तरीके से उनके पास तमाम सारी फंडिंग होती है। इन तमाम को लेकर के एनआईए की बड़ी कार्रवाई है। जी अविनाश, यूपी में क्या कोई जानकारी मिल रही है, कौन कौन सी इस वक्त वो जगह है जहाँ पर ये छापेमारी हो रही है? देखिए, अभी तक जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि कानपुर में है, लखनऊ में है, इसके अलावा अगर बात करें तो वाराणसी में है और इसके अलावा नोएडा में है। यहाँ पे भी यूपी में जो एनआईए की जो छापेमारी है वो चल रही है। हालांकि अभी एनआईए ने अपनी ओर से रिवील नहीं किया है, न तो एनआईए ने उसको जानकारी दी है कि कहाँ पे वो छापेमारी करिए। उस प्राथमिक स्तर पर इतनी जानकारी दी गई कि 10 राज्यों में तकरीबन 110 ठिकानों पर पीएफआई की छापेमारी चल रही है, जिसमें 100 लोगों से ज्यादा हिरासत में लिए गए हैं, जिससे अभी भी पूछताछ चल रही है। जी अविनाश, यूपी के अलावा और कौन से राज्य हैं जहां पर जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर ये कार्रवाई हो रही है? जी देखिए, अगर यूपी के अलावा अगर बात करें राज्यों की तो केरल है, तेलंगाना है, इसके अलावा दिल्ली भी है और इसके अलावा अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है। तमाम सारे वो राज्य हैं जहाँ पे एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई चल रही है और एनआईए को जिस तरीके से इनपुट मिला है कि पीएफआई के पास टेरर फंडिंग का पैसा आता है, टेरर लिंकिंग का पैसा आता है, उसके साथ साथ वो तमाम सारी चीजें आती हैं जहाँ से जो है देश में जो गलत काम है उसको किया जा सके, इसी को लेकर के ये एनआईए की बड़ी कार्रवाई है और एनआईए इसको लेकर के देर रात से छापेमारी कर रही है और 10 राज्यों के 110 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को अभी तक हिरासत में ले लिया गया है। चलिए, बहुत धन्यवाद अविनाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।